हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अंकिता पाठक और आप देख रहे हैं अंकिता पाठक चैनल। दोस्तों, आज हम दो इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़ को कंपेयर करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों मेडिसिंस ही माइंड लेवल पे बहुत सिमिलर हैं। इन दोनों होम्योपैथिक रेमेडीज़ का नाम है नक्स वोमिका और लाइकोपोडियम क्लेवेटम। दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो है और ये मैंने इस उद्देश्य से बनाया है कि वीडियो मज़ेदार भी हो, समझ में भी आसानी से आए और उपयोगी भी साबित हो। दोस्तों, कंपैरिजन का एक अलग ही स्थान है होम्योपैथी में। अगर हम होम्योपैथिक रेमेडीज़ को डेप्थ में जानते भी हैं लेकिन हम उनके बीच के डिफरेंसेस को नहीं समझते हैं तो फिर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और ना ही होम्योपैथी को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है और आगे भी शॉर्ट वीडियोस में बनाती रहूँगी। साथ साथ जो लॉन्ग वीडियोस में ड्रग पिक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए देती हूँ होम्योपैथिक रेमेडीज़ का, वो भी मैं आप सब देती रहूँगी। तो दोस्तों, आइए अब हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले लाइकोपोडियम क्लेवेटम और नक्स वोमिका के बेसिक फीलिंग के बारे में जानना ज़रूरी है कि पेशेंट इंटरनली क्या फील करता है, क्योंकि उसका जो भी स्वभाव है वो इन्हीं फीलिंग्स के इर्द गिर्द घूमता है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम की में जो पेशेंट होता है उसकी एक आइडियोलॉजी होती है। उसका मानना होता है कि ये जो दुनिया है वो सेल्फिश है और ये दुनिया केवल पावरफुल और रिच पीपल के लिए है, वही इजीली सरवाइव कर सकते हैं। गरीबों के लिए कोई चांस नहीं है कि वो सरवाइव कर पाएँ। यही वजह है कि पावर की सबसे ज़्यादा इच्छा लाइकोपोडियम पेशेंट को होती है। साथ साथ पेशेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अवॉइड करना चाहता है। उसकी वजह है कि पेशेंट में एक कांस्टेंट फीलिंग होती है कि लोग सेल्फिश हैं और जो कोई भी उसके करीब आ रहा है उसके हेल्प लेने के लिए एक्चुअली उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये जो जिम्मेदारी सौंप रहे हैं लोग उनको, उसको बेवकूफ़ एक्चुअली बना रहे हैं। यही वजह है कि वो जिम्मेदारियों से भागता है लाइकोपोडियम पेशेंट। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी सेंटिमेंटल भी हो जाता है जब उसके कुछ अच्छे कामों पर लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, तब उसे लगता है कि लोगों ने उसे कंसीडर किया, उसकी भावनाएं जो हैं वो जो है उभर कर आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ नक्स वोमिका पर्सनालिटी जो है उसमें बेसिक फीलिंग ये होती है कि वो बेसिकली छोटी से छोटी बातों में ऑफेंडेड फील करता है। कोई ज़रा सी बात हो गई तो वो इंसल्टेड महसूस करने लगता है और वो पावरफुल बनना चाहता है ताकि हर कोई उसे सम्मान दे, रिस्पेक्टफुली उसके साथ बात करे और उसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट होता है। यानी कि वो आध्यात्मिक दुनिया से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागता है। उसे बड़ी कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बहुत कुछ अच्छा चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा, नाम, सब कुछ चाहिए। यही वजह है कि नक्स वोमिका जो है वो इन चीज़ों के पीछे सबसे ज़्यादा भागता है काम करने में। इसीलिए नक्स वोमिका बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, 24 आवर्स भी काम कर सकता है, डे एंड नाइट भी नहीं देखेगा, अपनी रातों की नींदों को भी वो कुर्बान कर देगा अपने एम या अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इसीलिए नक्स वोमिका बहुत फास्टिडियस भी होता है, अपने हर एक काम को बहुत परफेक्शन से करना चाहता है, वेल ड्रेस्ड भी होता है और अपने एक एक काम को, एक एक बारीकी को बहुत अच्छे से करता है ताकि वो सक्सेस की तरफ बढ़े और उसका मान सम्मान सोसाइटी में हर जगह बहुत ज़्यादा बढ़े। दोस्तों, नक्स वोमिका और लाइकोपोडियम क्लेवेटम में बड़ी सिमिलैरिटी होती है, स्पेशली माइंड में। एक नज़र में ये कह पाना कठिन हो जाता है कि पेशेंट में लाइको का मेंटल स्टेट है या फिर नक्स वोमिका का। इसका सबसे बड़ा कारण है कि नक्स वोमिका और लाइकोपोडियम में कुछ स्वभाव बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है जिसकी वजह से डिफ्रेंसिएशन में कठिनाई आती है। जैसे कि नक्स वोमिका और लाइको दोनों ही सुपर एम्बिशियस होते हैं, मनी और पावर को लेकर ज़बरदस्त अट्रैक्शन होता है, इनकी पूरी ज़िंदगी मनी और पावर के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये बहुत, और उसे पाने के लिए ये बहुत मेहनत भी करते हैं, इसीलिए बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रियस भी होते हैं। ये इंटेलिजेंट होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, ईगोइस्टिक होने की वजह से ही मनी और पावर पाना चाहते हैं, सेल्फिश होते हैं, सस्पिशियस होते हैं और स्वभाव से लड़ाकू होते हैं, हरीड होते हैं। हरीडनेस की हालत ये होती है कि अगर नक्स वोमिका को कोई ज़िम्मेदारी सौंपी जाए तो वो उसे
उसी समय पूरा कर देना चाहेगा और उसी समय पूरा करने के लिए वो दिन रात एक कर देगा, बहुत परफेक्शन से उस काम को निपटाएगा। वहीं लाइको जो है, अगर उसे कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उस काम को वो तुरंत करना चाहेगा, लेकिन जैसे तैसे काम करके निकल जाना चाहेगा। उसमें हरिडनेस के काम में फुहड़ता भी होती है, यानी काम को ठीक से नहीं ना कर पाना। इस बात को और भी बेहतर तरीके से नक्स और लाइको के स्वभाव को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, एक नक्स चाइल्ड है और दूसरा लाइको चाइल्ड है। नक्स चाइल्ड और लाइको चाइल्ड दोनों ही इंटेलिजेंट हैं स्वभाव से, इसलिए पढ़ने में अच्छे हैं और दोनों मित्र हैं। लेकिन नक्स चाइल्ड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से निभाता है, उसे लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वहीं लाइको चाइल्ड जो है वो चुनौतियों से भागता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वैसे तो वो दूसरों को पॉइंट आउट बहुत अच्छी तरह से करता है, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर होता है लाइको का। दूसरे बच्चों को कहता है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तुम अच्छे से रीड नहीं करते हो, उनकी कमियां निकालता रहता है। लेकिन अगर पब्लिकली उनको कह दिया जाए कि तुम किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करो, तो वो जो है उनसे दो शब्द भी बोलना कठिन हो जाता है, वो नर्वस हो जाते हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, या वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं ताकि उस सिचुएशन से बच सकें। लाइको बच्चे अपने माँ बाप से भी रूढ़ होते हैं, यानी कि अगर माँ बाप उसे कोई काम करने के लिए कहेंगे तो वो माँ बाप की 10 गलतियाँ गिना देगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो माँ बाप से बहुत फ्रैंक होते हैं और वेल नोन लोग होते हैं उनके पेरेंट्स उनके लिए। तो लाइको का जो ये स्वभाव है वो ये है कि वो जिन पर डिपेंडेंट होगा अपने जीवन के लिए, वो उन्हीं को डोमिनेट करेगा, उन्हीं की कमियां निकालेगा और उन्हीं के साथ रूड बिहेव करेगा। वहीं नक्स वॉमी का बच्चा सबके सामने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखता है। अगर उसका कोई विरोध करे तो एक बात पर 10 बात बोल सकता है, यानी अगर उसे कोई पॉइंट आउट करे कोई बाहरी व्यक्ति, तो भी वो जो है उसे अच्छी तरह से सुना देगा, उसकी सामने वाले की कमियां गिना देगा और उसे चुप करवा देगा। नक्स वॉमी का ऐसे चुप रहेगा, लेकिन अगर उसे कोई छेड़ दे तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसीलिए नक्स वॉमी का के लिए एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, कि मैं किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ दे तो मैं उसे छोड़ता नहीं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी जो है नक्स की है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। इसीलिए नक्स स्वभाव के लोगों से कोई भिड़ना नहीं चाहता है, कोई झगड़ना नहीं चाहता है। लेकिन अगर नक्स कॉम्पिटिशन में आ जाए, अगर कोई बच्चा है और उससे ज़्यादा पढ़ाई में कोई दूसरा बच्चा होशियार है, तो उसे दबाने के लिए वो उसे झगड़ा करने के बहाने खोजेगा। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो भी अपने रास्ते से हटाने के लिए, अपने से सुपीरियर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई चाल, कोई ना कोई कंस्पायरेसी जो है रच देगा। ये नक्स का स्वभाव है। वहीं लाइको का स्वभाव ये है कि अगर वो ऐसे सबको पॉइंट आउट करता रहेगा, लेकिन जहाँ कोई कॉन्फिडेंट व्यक्ति से उसकी मुलाकात हो गई और अपनी आदत के तहत उसने पॉइंट आउट किया कॉन्फिडेंट व्यक्ति को, तो कॉन्फिडेंट व्यक्ति तो उसके साथ जो है उसको जवाब दे देगा पलट करके। तो जवाब देने की वजह से वो लाइको पेशेंट समझ जाएगा कि ये मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तब वो उसका विरोध नहीं करेगा, तब वो उसके पोजीशन में नहीं आएगा, बल्कि उसी की चापलूसी करने लगेगा, क्योंकि उसमें एक्चुअल में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए दूसरों की कमियां निकालता है कि नक्स मम्मी का ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं कंपैरेटिवली लाइको पेशेंट्स के। लाइको पेशेंट सपने देखता है सक्सेसफुल होने के, पावर पाने के, लेकिन हकीकत में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है उसके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। जलन की भावना, प्रतिस्पर्धा और अधीरता नक्स पेशेंट में ज़्यादा होती है। ईगो की अगर बात की जाए, अहंकार की, तो नक्स और लाइको दोनों ही अहंकारी होते हैं। नक्स के अहंकार को अगर चोट लगे तो वो सामने वाले को बहस करके हरा देता है और उसे दबा देता है या कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेता है।
लेकिन अगर लाइकों के अहंकार को चोट लगे तो यूजुअली वो अगर उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति है तो वो कुछ नहीं करता है, लेकिन अगर उसके अंडर है कोई लोग यानी कि इन्फीरियर हैं तो उनके साथ वो बहुत हार्ड बिहेव करता है। पहले तो पॉइंट आउट करके सामने वाले का जीना मुश्किल करेगा लाइको पेशेंट, और जब उसके इन्फीरियर लोग उसे जवाब देंगे पलट करके तो उसके अहंकार को बहुत ज़ोरदार चोट लगती है। वो पावरफुल होना चाहता है ताकि वो अपने अहंकार को अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सके। तो रेपर्टरी में भी ज़्यादा रूब्रिक्स अहंकारी होने के लाइकों में दिए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट अहंकार जो है लाइकों में होता है। रिलेशनशिप की अगर बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें, तो नक्स वमी का जो है वो यूजुअली अपने पारिवारिक जीवन को त्याग देता है ताकि वो सक्सेसफुल हो सके, क्योंकि अगर पारिवारिक जीवन भी उसके सक्सेस के रास्ते में आ रहा है तो वो भी बर्दाश्त जो है नक्स वमिका से नहीं होगा। बल्कि लाइको जो है, माना कि वो जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराता है, लेकिन फिर भी वो परिवार चाहता है क्योंकि वो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है, वो हमेशा सपोर्ट खोजता है। तो इसलिए लाइको पेशेंट्स जो हैं वो परिवार पे डिपेंडेंट होते हैं। वहीं नक्स वमिका परिवार से उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है नहीं रखता है। नक्स वमिका की जो हैबिट्स होती हैं बहुत ही सिडेंट्री होती हैं। तो दोस्तों, ये था लाइको और नक्स वमिका का कंपैरिजन माइंड लेवल पे। हमने केवल माइंड लिया है ताकि शॉर्ट वीडियो बन सके और माइंड इजीली समझ में आ सके, कंपेयर किया जा सके। तो दोस्तों, मैंने वैसे तो ड्रग पिक्चर दिया है लाइकोपोडियम का भी और नक्स वमिका का भी, पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है मैंने पहले भी वीडियोस में। उसका डिस्क्रिप्शन आपको मेरे इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, तो आप उसमें जाकर के मेरे वीडियोस देख सकते हैं, और या फिर आप मेरे सारे के सारे वीडियोस अंकिता पाठक चैनल में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ ताकि वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप सबको मिल सकें, और आप इसे शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।